देश में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। पढ़ाई करने के बावजूद युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। हालात इतने खराब हैं कि मोची के काम के लिए एमबीए और बीटेक किए हुए छात्र अप्लाई कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने मल्टीटास्किंग स्टाफ की 707 भर्ती निकाली थी, जिसमें करीब 7.5 लाख लोगों ने आवेदन किया है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि 707 पदों के लिए किन लोगों ने अप्लाई किया है। दिल्ली पुलिस ने मल्टीटास्किंग स्टाफ की निकाली थी 707 भर्तियां। राजधानी में 17 दिसंबर से 9 जनवरी तक चल रही हैं लिखित परीक्षाएं। मोची, माली, धोबी, कुक, नाई, बढ़ई, वाटर कैरियर, सफाई कर्मचारी के लिए चल रही भर्तियां। करीब 7.5 लाख लोगों ने नौकरी के लिए किया है आवेदन। 3 लाख से अधिक एमए एमएससी डिग्री धारकों ने भी किया आवेदन। 1200 के आसपास एमबीए डिग्री धारकों ने किया आवेदन। करीब 360 बीटेक डिग्री धारकों ने किया आवेदन। केंद्र की मोदी सरकार ने हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन तमाम रिपोर्ट्स के अनुसार मोदी सरकार अपने वादे पूरे करने में सफल नहीं हो पाई। अब 2019 में होने वाला लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में मोदी सरकार से विपक्ष सवाल पूछ रहा है। हिंदुस्तान का युवा, हिंदुस्तान के युवा ने प्रधानमंत्री जी पे भरोसा किया था और हर भाषण में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को मैं हर साल रोजगार दूंगा। और सच्चाई है कि सिर्फ 4 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। इससे पहले भी इस तरह की खबरें सामने आती रही हैं, जब पढ़े लिखे युवा किसी भी तरह की नौकरी के लिए आवेदन करते नजर आए। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com।